हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक अपडेट लेकर आया हूं और अपडेट मुख्यमंत्री जी के एक आदेश से संबंधित है। अब शिक्षकों का टीकाकरण होगा प्राथमिकता के आधार पर, बनेंगे अलग बूथ। दोस्तों, हम सभी शिक्षकों ने चुनाव ड्यूटी भी कर ली है और मतगणना भी करा दी है, लेकिन अभी बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जिनको अभी कोविड की जो वैक्सीन है उसकी प्रथम डोज भी नहीं लगी है। लेकिन अब मुख्यमंत्री जी ने इस पर संज्ञान लिया है और उन्होंने आदेश दिया है कि शिक्षकों का टीकाकरण होगा प्राथमिकता के आधार पर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी प्रकार की वीडियो जो बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित होती हैं उनके नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस प्रकार की वीडियो आपके व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर उपलब्ध हो, तो मैंने इसके लिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप बनाए हैं। दोनों ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखते हैं मुख्यमंत्री जी का आदेश। BSC कार्यालय को केंद्र बिंदु बनाकर विशेष बूथ के द्वारा परिषदीय अध्यापकों के टीकाकरण संबंधी माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश। कर्मचारियों व शिक्षकों के कोविड टीकाकरण के लिए बनेंगे विशेष बूथ। लखनऊ प्रदेश में शिक्षकों के लिए भी टीकाकरण के लिए विशेष बूथ बनाए जाएंगे। शिक्षकों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए यह पहल की जा रही है। सभी जिलों में जिला विद्यालय निरीक्षक और बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में विशेष बूथ बनाए जाएंगे। उधर कलेक्ट्रेट और ब्लॉक कार्यालयों में तैनात कर्मियों को भी फ्रंटलाइन वर्कर की श्रेणी में शामिल करते हुए उनके लिए भी विशेष बूथ बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी जी आदित्यनाथ के निर्देश पर यह पहल की जा रही है। इससे पहले 12 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए, जो बच्चों के अभिभावक हैं उनके लिए अभिभावक स्पेशल बूथ बनाने की घोषणा की गई थी। अब 1 जून से प्रदेश में 18 वर्ष से 44 वर्ष तक की आयु के लोगों को सभी जिलों में टीके लगाए जाएंगे। अभी 23 जिलों में ही इस आयु वर्ग के लोगों को टीका लगाया जा रहा है। वैक्सीन की बर्बादी कम से कम हो, इस पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों, ये ट्वीट है जो CM ऑफिस UP से है। राज्य कर्मचारियों के टीकाकरण के लिए सभी जनपदों में अलग से बूथ स्थापित किए जाएंगे। इन्हें जनपद, तहसील और विकासखंड मुख्यालय स्तर पर संचालित किया जाए। इसी प्रकार अध्यापकों के टीकाकरण कार्य को भी आगे बढ़ाया जाए। #UPCM श्री योगी आदित्यनाथ जी। एक और ट्वीट है यहाँ पर, इसके लिए प्रत्येक जनपद में जिला विद्यालय निरीक्षक तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय को केंद्र बिंदु बनाकर प्रभावी कार्यवाही की जाए। तो साथियों, आप इसके लिए रेडी रहें। अगर आपने अभी तक टीका नहीं लगवाया है तो आप अपना ध्यान रखें और इस बात पर भी ध्यान दें कि आपके यहाँ पर ये वैक्सीन कब से लगने वाली है। जब भी वहाँ पर शुरू हो तो आप जाकर वहाँ पर वैक्सीन को लगवाएं। तो दोस्तों, इस वीडियो में अपडेट था ये जो मैं आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे आप लाइक करें, साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।